हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस। पटेल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ आज शाहपुर शहर में। आमतौर पर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज रहने दो या फिर छोटे बच्चों के गंभीर प्रॉब्लम्स, क्वालिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोगों को दूसरे शहर या मेट्रो सिटीज जाना पड़ रहा था, लेकिन पटेल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल शाहपुर में आपको अंडर ऑन रूफ क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगे, जैसे ओपीडी, लैब, फार्मेसी, एनआईसीयू, पेडियाट्रिक्स वार्ड, 24 आवर्स क्वालिटी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हजरत सैयद शाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी सज्जद नशीन व बुजुर्ग बारगाह जलालिया गुग्गी शरीफ के हाथों किया गया। साथ और साथ इस मौके पर मौजूद रहे पूज्य श्री बसवैया स्वामी जी और श्री दौड़प्पा गौड़ा पार्टी लेक्स एमएलए जयवर्गी और शाहपुर शहर के कई सियासी सामाजिक कायदीन मौजूद रहे। आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एमबीबीएस। आइए देखते हैं इस इनॉग्रेशन के शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर आयशा सिद्दीकी है। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किया हुआ है। हम यहाँ पे शाहपुर में आज इनॉग्रेशन किए हैं पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। ये मद्देनज़र हम रखते हुए कि यहाँ पे ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की, अफोर्डेबल प्राइसेस में हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को आगे हायर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े और मैक्सिमम ट्रीटमेंट हम यहीं कर सके। हम लोगों ने यहाँ पे ओपीडी, लैब, फार्मेसी, 24 आवर सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हुई है और एनआईसीयू है हमारे पास, न्यूबॉर्न केयर फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ रखी है और बबल सीपैप, एफएचएमसी जैसी फैसिलिटीज़ रखी है और पीडियाट्रिक वार्ड है यहाँ पे जो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज दे सके और लोगों को यहाँ पे हम मुकम्मल ट्रीटमेंट कर सकें। मैं शाहपुर की आवाम को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम लोग ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी हमारी टीम ने मेहनत की है इस पे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं पेशेंट को आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे हम लोग उनकी खिदमत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पटेल साहब की जानिब से छोटे बच्चों का हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह हुआ है। स्वामी जी के हाथों से इफ्तिताह हुआ। बड़े लोगों के हाथ से जो भी अच्छे काम होते हैं वो बहुत अच्छे होते रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि बच्चा यहाँ के, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जितने बच्चे आए उनको शिफा देकर बैठ जाए। पटेल साहेब मकल आस्पत्र भाला दुड प्रमाण मार भाला सतोष आगद अद्क अल्लाह आशीर्वाद एलर मेले तक ना प्रार्थसा। शाहपुर पटण हमको पटेल मकल आस्पत्र उद्घाटना समारंभ शाहपुर चलभेश्वर गद्दी पूज्य शरण पाद नमस्क उद्घाटना समारंभदे आगम मजी जिला पंचायत सदस्य काशिंग पटेल रवरे, मुन्ना पटेल रवरे, राजा पटेल रवरे, नम बिराव ग्राम बसवे मात सवरवे एला नम प्रभु सौकरवरे आलवार बेवार ग्राम समाज ऐन पटेल और कुटुंब सदस्य शाहपुर पटण हिरीयर आत्मीयर
ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನೊಳಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವರದಿ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆಯೇಶ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಡೆಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಂಡಿ ಕಾಮಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಮಣಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. दिन शाहपुर शहर में किसी न किसी तरीके से बिजनेस का डेवलपमेंट होते आ रहा है. कल 6 तारीख को एक इफ्तिता में था, लोगों की मोहब्बत है. आज 7 तारीख का एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, जिसमें आयशा सिद्दीकी MBBS डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, MD है. अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा दिया है और हमारी भी दुआ है कि हमेशा अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा दे ताकि आने वाले पेशेंट्स यहाँ सेहतयाब होके जाएं. लोग डॉक्टर के पास बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इनको शिफा देगा और इनके हाथों में शिफा है. अल्लाह से भी दुआ है कि आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक बार अपने बच्चों को, छोटे मासूम बच्चे जबान से कुछ बोल नहीं सकते, उनकी इलाज उनका दर्द वो खुद अपने समझ सकते हैं. उसके बाद माँ बाप तो नहीं समझते, डॉक्टर ही समझ सकते हैं. वैसे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है शाहपुर में हमारे पास, आयशा सिद्दीकी बोल के. आप एक बार तशरीफ लाइए. मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छे से अच्छा सेहतयाब होके जाएंगे. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. आज हमारे बीच एक नया हॉस्पिटल शाहपुर में, एक नया हॉस्पिटल का आगाज हुआ है, पटेल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जिसमें यहाँ पे हमारे खिदमत के लिए डॉक्टर आयशा मैडम हैं जो कि MD पीडियाट्रिशियन हैं. एक ये हॉस्पिटल का आगाज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि एक अच्छे सेटअप के साथ आए हैं, जहाँ पे आपको क्या है, एक इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नियोनेटल सर्विस मिलते हैं. जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि आउट ऑफ एवरी 3 केस, हर एक केस में जो है बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन की सख्त ज़रूरत रहती है. और जैसे कि बच्चा डिलेड कराए, जो रोने का लेट रहता है और जॉन्डिस वगैरह होता है, उनको सब एक सिस्टमेटिकली तरीके से ट्रीटमेंट होना रहता है. और जब तक हम डॉक्टर के पास अप्रोच नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स क्या है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो डिसाइड नहीं कर सकते. जो अभी यहाँ पे फोटोथेरेपी के सर्विस अवेलेबल है, CPAP की सर्विसेस अवेलेबल है, ये इमरजेंसी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं जान सकता हूँ और जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो जो जान सकते हैं. और मेरे एक गुजारिश है कि जो भी मेरे ये बात सुन रहे हैं कि इस सर्विस का आप यूटिलाइज करिए, क्योंकि बच्चों की जो रहता है उसको समझने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिशियन ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट है. और आज दिल की अमीर गहराइयों से पटेल फैमिली को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने सरजमीन शाहपुर में एक ज़रूरत को महसूस करते हुए पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया. यकीनन बहुत ज़रूरत थी. आज बच्चे बीमार होते तो हम घंटों इंतज़ार करना पड़ता था. दवाखानों की बहुत ज़्यादा खिल्लत है शाहपुर में, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके अतराफ़ में बहुत सारे विलेजेस पड़ते हैं. शाहपुर तालुका बड़े विलेज रखने वाला तालुका है, तो यहाँ अच्छे दवाखानों की ज़रूरत थी. तो आज मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़ात से हमारी कौम, हमारी मिल्लत की
फ़ायदे का ज़रिया बन सके। मैं बिलखसूस डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा MBBS MD पेडियाट्रिक और ना डॉक्टर लालबा पटेल MBBS यालवार को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनके हक में दुआ हूँ कि अल्लाह इन्हें सेहतों वाली आफियतों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा दे, क्योंकि डॉक्टर जो होता है लोगों की सेहत की तरफ ख्याल रखने वाला होता है, तो इनकी बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमा दे और इनकी ज़ात से ना बहुत सारे काम ले ले और इस दवाखाने को अल्लाह दीन दुनिया रात दुनिया तरक्की अता फरमा दे।